रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कौल नेगी रामपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया है उस पर हिमाचल प्रदेश ने सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कौल नेगी के नामांकन पर आपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जा चुकी है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर सवाल खड़े किए हैं। प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि कौल नेगी मूल रूप से किन्नौर के रहने वाले हैं, ऐसे में वे अनुसूचित जनजाति के लाभ लेने के योग्य हो जाते हैं, लेकिन नेगी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया है वह रामपुर प्राधिकरण अधिकारी से लिया है, जबकि ये सर्टिफिकेट निचार से लिया जाना था क्योंकि वह रूप से निचार में रहते हैं। प्रणय प्रताप ने कहा कि कौल नेगी ने 16 अगस्त 2022 को रामपुर से ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इससे ये साफ होता है कि उन्होंने केवल चुनाव लड़ने की मंशा से ही ये सर्टिफिकेट लिया है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल ने चुनाव आयोग से कौल नेगी पर कार्यवाही की मांग की है। जो कैंडिडेट रामपुर से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके सर्टिफिकेट को लेकर कि जैसे आप लोग सब जानते हैं रामपुर एक शेड्यूल कास्ट सीट है जहां पर रिजर्व सीट है, परंतु इनका जो सर्टिफिकेट है वो इस वक्त भी एज पर लॉ जो है वो इस वक्त शक के घेरे में है। जब कल स्क्रूटनी हुई हमने ये इशू उठाया था, वहां पे स्क्रूटनी के समय भी इशू उठा था, परंतु वहां पे इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट जो है मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज पड़े हुए हैं। ये सर्टिफिकेट है SC20272848213367 और ये 16/8/2022 को इशू हुआ है। ये इशू हुआ हुआ है रामपुर से, और जबकि वो रहने वाले हैं निचार के। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा कानून में जाएं तो यहाँ पे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, हिमाचल प्रदेश सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, इसका पैरा 28.1 वो कहता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर एंड तहसील ऑफ तहसील एंड तहसील तहसीलदार मोहाल शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू SC/ST बैकवर्ड एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो ये रहा हुआ है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो अभी 2000 ST तक ST का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप SC का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पे और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे, और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हम कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, कानूनी तर्क हैं। और मुझे पता चला है कि इसकी इस प्रकार की एक पिटिशन जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी फाइल हुई है, जिसपे शायद नोटिस इशू हुआ है। उस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, परंतु अगर माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया है उस सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है और इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। तो अगर हम जब कंप्लेंट लेके जाएंगे तो हमारी कोशिश यही है कि 29 तारीख से पहले इसका निपटारा हो, और जो है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है कम से कम इसको जब आपने स्क्रूटनी में तो आपने अलाउ कर दिया है, परंतु अगर कानूनी तर्क देके हम इस सर्टिफिकेट को हम घोषित कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है, तो जो नामांकन जो है वो रद्द किया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।